कुर्बान भाई, ये जिस तरीके से राहुल गांधी की घेराबंदी की कोशिश लग रही है, आप इसको किस नजर से देख रहे, क्या लगता है आपको? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा कुर्बान भाई। शुक्रिया आशुतोष भाई। मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो संसदीय राजनीति में आए हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, सन 2000 से, और पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 10-12 साल और अब 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उन्हें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का शायद कोई तजर्बा है नहीं कि सही मायने में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है और कब लीडर ऑफ द हाउस को बोलना होता है, कब नहीं बोलना होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात को कितना सम्मान देना होता है, किस तरह की नुआंसेस का इस्तेमाल करना होता है, ये सब उनसे, उन्हें लगता है कि शायद उन्हें एक ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे हर लोकसभा में जो नए सांसद चुनकर के आते हैं उनके लिए एक रिफ्रेशिंग कोर्स होता है, और अगर वो ट्रेनिंग भी वो ना लें तो कम से कम अपने बुजुर्गों से, यानी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का मैं यहाँ उल्लेख करूंगा कि उनके जो आचरण रहा है संसदीय राजनीति में, कम से कम उसी से कुछ वो सीखें। पहली बात, राहुल गांधी के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने इंटरप्शन किया। ये इंटरप्शन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है, अंटिल अनलेस के कोई बहुत अर्थ शेकिंग बात ना कह दी गई हो जी, और वो नरेंद्र मोदी साहब ने की। दूसरी तरफ उसके लीडर ऑफ अपोजिशन जब बोल रहे थे तो उनको कंट्राडिक्ट करने के लिए 5 सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स, जिनमें के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, इन सब लोगों ने कहा कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और सब्सटेंशिएट करें वो अपने भाषण को। और ठीक है, अगर वो सब्सटेंशिएट नहीं कर पाते और तब आप कोई नोटिस दें तो बात समझ में आती है, लेकिन आपने ये तय कर रखा है कि आप अपोजिशन की वॉइस को सुनना ही नहीं पसंद करेंगे, चाहे आप जितनी माइनॉरिटी में आ गए हों, रिड्यूस नंबर हो गए हों, और अब आपसे उम्मीद ये की जाती थी कि आप सही तरीके से बिहेव करेंगे, वो आपका जो आचरण है उसमें कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही है, वही धींगा मुश्ती, वही दादागिरी, और ये के साहब हम जिस तरह से चाहेंगे सदन वैसे चलेगा। मैंने लगभग 30 वर्षों तक, 3 दशक तक संसद के दोनों सदनों को कवर किया है, और शायद ही ऐसा कोई मौका मैंने इससे पहले कभी, मुझे याद नहीं पड़ता कि जब गृहमंत्री खड़े होकर के चेयर से कह रहे हैं कि सर हमें आपका प्रोटेक्शन चाहिए, यानी रूलिंग पार्टी प्रोटेक्शन मांग रही है स्पीकर से, और स्पीकर का रोल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो आप देखिए कि सरकार के खिलाफ अगर कोई बात होती है तो उनका चेहरा एक तरह से बयां करने लगता है सारी कहानी कि ये सारी बातें उन्हें पसंद नहीं आ रही, और वही सारी बातें जब ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से कही जाती हैं, रूलिंग पार्टी की तरफ से कही जाती हैं, तो जिसको कहते हैं इट्स म्यूजिक इन द एयर, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन ये सब कहने के बावजूद कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी के ताल्लुक से भी आशुतोष जी, कि उनका भी जो आचरण लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर था, और जिस तरह से उन्होंने रिलीजन को काउंटर करने के लिए बीजेपी के हिंदुत्व को शिव जी की तस्वीर दिखाई, गुरु नानक की तस्वीर दिखाई, प्रॉफिट का जिक्र किया, और जो क्राइस्ट की तस्वीर दिखाई, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। हाउस के अंदर इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको बात करनी है आइडियोलॉजिकल लेवल पे, आप कीजिए, आप कहिए कि भाई आप जो जिस तरह का हिंदुत्व तो बताते हैं, मैं वैसा हिंदू नहीं हूँ, यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन आप वो पूरे चित्र दिखा रहे हैं मूर्तियों के और तस्वीरें तमाम दिखा करके, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये गलत आचरण था राहुल गांधी के तौर पर। लेकिन क्योंकि उनकी मेडन स्पीच थी, हालांकि 20 साल उनको भी संसदीय राजनीति का तजर्बा हो चुका है और उनसे भी ये उम्मीद की जाती है कि वो ज्यादा आर्टिकुलेट तरीके से अपनी बात को रखते।